मात्र 200 रुपए में आपको देखने के लिए मिलेगा बर्गर, सैंडविच, नाचोस, रोल और साथ में एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक भी। इस तरीके से शोरमा डाला गया और ये देखो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लग रहा है देखने में। बाइट लेने के लिए रेडी। तो हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक। यू लाइक, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, एक बार यहाँ पे अनलिमिटेड रोल का लुत्फ उठा चुके हैं और यहाँ पे एक और नया चीज लाया गया है, वो है कॉम्बो वाला चीज। तो चलते हैं, इसमें कॉम्बो में आपको देखने के लिए मिलेगा बर्गर, नाचोस, रोल, शोरमा, बहुत सारा चीज है। तो हम और आज हम जो टेस्ट करने वाले हैं उसका रेट होने वाला है 199। तो बहुत ही ज्यादा लजीज होने वाला है। सो गाइस, हमारा फ्लैटर आ गया, इसका हमको प्राइस देना पड़ा 200 रुपया, बहुत ही ज़्यादा खास लग रहा है। तो इसमें जो सैंडविच है मेनली हम ऑर्डर किए थे शोरमा वाला, इसमें जो भी आइटम है उसके अंदर सब में शोरमा डाला गया है। बोलते हैं ना, रॉड के अंदर पूरा चिकन को एकदम बेहतरीन तरीके से डाला जाता है, उसके अंदर कट 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 करके इसको दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बर्गर से। तो ये रहा हमारा बर्गर, कुछ ऐसा दिख रहा है। फर्स्ट बाइट लेंगे अपना बर्गर का, तो देख सकते हो हमारा बर्गर इस तरीके से आ गया। तो अंदर में जो शोरमा डाला गया बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, ये देखो। और इसका जो बर्गर का साइज़ भी है ना, बहुत ही बेहतरीन है, ज़्यादा बड़ा है। और इसके ऊपर तिल वगैरह भी डाला गया, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, बोल सकते हैं क्वालिटी वाला दिया गया। तो इसका फर्स्ट बाइट लिया जाए। मुँह में जाते के साथ आपको पूरा क्रिस्पीनेस, उसके ये जो ऊपर वाला पार्ट है पूरा क्रिस्पी है। और इसके अंदर का जो शोरमा है बहुत ही ज़्यादा लजीज लगा। आपको बोलेंगे ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, एकदम माइल्ड स्पाइसी है। और उसका चिकन का जो टेस्ट है ना बहुत ही बेहतरीन है, बोल सकते हैं पूरा आपके मुंह में घुल जाता है, ये ज़्यादा अच्छा लगा हमको। तो देख सकते हो सैंडविच कुछ इस तरीके से दिया गया। इसके अंदर भी जो शोरमा डाला गया है ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा डाला गया है। ये किस क्वान्टिटी में डाला गया है आप देख सकते हो, इस तरीके से शोरमा डाला गया है। और ये देखो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है देखने में। तो इसका बाइट लेने से पहले इसको डिप करते हैं आपका मेयोनीज में, बढ़िया से मेयोनीज में इसको डिप करो, उसके बाद बाइट लेने के लिए रेडी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट है भाई, शोरमा और ब्रेड का ऐसा कॉम्बिनेशन हम अभी तक नहीं देखें। ये ज़्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू ये, वैसे ये भी अच्छा है, ये हमको ये ज़्यादा अच्छा लगा, इससे ज़्यादा हमको ये अच्छा लगा। और कुछ नाचोस वगैरह हो जा। नाचोस एकदम खट्टा मीठा, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। लेकिन इसके ऊपर जो मेयोनीज डाला गया है ना, बहुत ही ज़्यादा आपको मीठा टेस्ट देगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये रहा है सब टेस्ट। ये आ गया हमारा शोरमा रोल, जो मेन आइटम है। वैसे ये शोरमा बोला जाता है ना कि ये टर्किश डिश है, और मेनली इसका जो मीट होता है ना वो बनता है आपका लैम मीट से, लेकिन यहाँ पे चिकन का यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा खास लग रहा है। तो यहाँ पे एक आकर दिया हुआ है चटनी मेयोनीज, बढ़िया से एकदम इसको डीप करते हुए उसके बाद फर्स्ट बाइट लेते हुए। बहुत ही ज़्यादा चिकन का यूज़ किया गया है देख सकते हो, बाहर में पूरा एकदम निकल के आ रहा है, इतना चिकन है इसमें देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खास लगा। और इधर मेरा हमारा तंदूरी मेयोनीज भी दिया हुआ है, तो इसके अंदर इसको डीप करते हुए बढ़िया से उसके बाद बाइट लिया जाए। नेक्स्ट लेवल का। तो गाइस, इसको हम कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये टेस्ट करना है तो आप भी आ सकते हो ब्रेक एंड रोल में, इसका एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मिलते हैं आगे की ओर, खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं आगे की ओर।